गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। बहुत दिन से मेरा पिछला वीडियो मैंने डाला था, तो वो भाई बहुत दिन पहले गया था एंड आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ दूसरे वीडियो की। बट वन थिंग कि मेरा ये जो फ़ोन है अभी, ये एक्चुअली थोड़ा सा पुराना फ़ोन है, तो या आई विल डेफिनेटली चेंज इट, मेरे को इसको चेंज करना, बट क्योंकि इसमें स्टोरेज भी कम है एंड फीचर्स भी कम है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट मैं इससे से ब्लॉग्स डाला करूँगा ना, मैं थोड़े बहुत ब्लॉग्स इससे डालूंगा एंड मैंने सोचा है कि जब तक मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो नहीं हो जाता तो तब तक मैं वीकली ब्लॉग्स डालूंगा। मतलब जैसे संडे संडे हो गए या सैटरडे संडे हो गए, मैं वीकेंड्स पे ब्लॉग डाला करूँगा। जैसे जैसे ग्रो होगा वैसे वैसे मैं ब्लॉग की जो टाइमिंग्स है वो बढ़ाता चलूँगा, है ना। क्योंकि आपको मतलब ये जो फ़ोन है तब तक चेंज भी हो जाएगा एंड मेरे पास थोड़ा सा उस टाइम रिसोर्सेज भी रहेंगे, तो सब चीज़ें आसानी होगी, तो यही मैंने डिसाइड किया। बाकी आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो, क्योंकि पिछला वीडियो जो जिन्होंने भी देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था एंड यूजुअली पहला वीडियो में उतने व्यूज़ उतने क्या एक भी व्यूज़ नहीं आते, बट लेट्स सी कितने आते हैं। जितने भी व्यूज़ आएंगे इट्स ऑल राइट, बट जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता होगा कि वो पहला वीडियो था, तो उसके बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो या आई एम सॉरी फॉर दैट। बट या मैंने डिसाइड किया वीकेंड पर वीडियो आएंगे। अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हो तो अपना सपोर्ट दिखाओ ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपको डेली ब्लॉगिंग्स दिखे। बाकी तो मैं नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई मैं बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से ब्लॉग कर रहा हूँ। भाई लोग बोलते हैं कि कंटेंट बनाओ, बट मैं तो नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखते हैं आगे जिस तरह से होगा सिचुएशन, आप लोग का जिस तरह से सपोर्ट, आप लोग का जिस तरह से डिमांड होगी या फिर जैसा रिस्पांस मिलेगा यूट्यूब से मुझे, उस हिसाब से मैं काम करूँगा। बट फिलहाल के लिए तो मैं अभी आपको देख रहा होगा मैं गैरेज में आया हूँ, फिलहाल एक्सरसाइज का टाइम है, तो इस टाइम मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ एंड आपको व्लॉग आगे दिख जाएगा। एंड फिर से ये शॉर्ट व्लॉग ही रहेगा क्योंकि लॉन्ग व्लॉग करने लायक स्टोरेज इस फ़ोन में है नहीं, है ना। तो मैं जैसे ही एक नया फ़ोन परचेज कर लूँगा आपके लिए मैं पक्का एक बिग व्लॉग डालूँगा, लेकिन तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ऑफकोर्स। एंड नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड व्लॉग को लाइक कर देना। तो अभी मैं वैल्यू फॉर मनी फ़ोन की तलाश कर रहा हूँ एंड टाइम कितना हो रहा है यार, तो टाइम अभी हो रहा है 7:07 हो रहे हैं एंड एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन की मैं तलाश कर रहा हूँ। मैंने बिलो 18,000, मतलब इन द रेंज ऑफ 18,000 मुझे सबसे बेस्ट जो फ़ोन पता चला है ना, वो है रियलमी का Realme 9 Pro 5G, जो अभी लॉन्च हुआ फ़िलहाल के। बट या मार्च में और भी सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सब चीज़ों के लिए ताकि मैं थोड़ा सही चूज़ करूँ और क्या। बाकी बहुत सारे फ़ोन्स है जो मतलब मैंने बहुत रिसर्च किया हुआ है ना, प्रोसेसर कैमरा रिलेटेड टू गेमिंग सब चीज़ें मैं सर्च कर रहा हूँ एंड मुझे जो फ़ोन चाहिए मैं बता दे रहा हूँ, मुझे जो फ़ोन चाहिए वो कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए, मुझे कैमरा से तो फ़र्क नहीं पड़ता, एमोलेड IPS LCD आई डोंट केयर, है ना। वो बस एक बढ़िया सा रिफ्रेश रेट उसमें होना चाहिए, टच सैम्पलिंग रेट होना चाहिए, बैटरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा फास्ट चार्जर होना चाहिए, 33 वॉट की यूजुअली डार्ट चार्जर सब आ रहे हैं तो वो होने चाहिए एंड मैं बता रहा हूँ मुझे एक स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस बेस्ड फ़ोन चाहिए। तो अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो 18,000 के रेंज में तो या फिर फ्री टू कमेंट नाउ बताइए मुझे कि कौन सा फ़ोन है, मैं उसे चेकआउट करूँगा। हो चुका है कम्प्लीट, अभी बज रहे हैं 8, थका हुआ पूरा पसीने से भेजा हुआ आपको दिख रहा होगा, एक्सरसाइज पूरी कम्प्लीट हो चुकी है एंड या व्लॉग विल कंटिन्यू, व्लॉग को थोड़ा लंबा करने का प्लान एंड मैंने अभी चेक किया, मेरे पिछले व्लॉग में 3 व्यूज़ थे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज जिन्होंने भी देखा है एंड कीप सपोर्टिंग। तो आगे मिलते हैं, फिलहाल के लिए तो अभी
सब रैप अप करके घर जाने का प्लान है। घर में थोड़ा बहुत रेस्ट करने का प्लान। पूरी बॉडी हाँप रही है यार अभी अभी। मतलब व्लॉग को थोड़ा लंबा ज़रूर करेंगे, बाकी अभी कुछ बोलने का मन नहीं है। वर्कआउट के बाद भाई थोड़ा आराम ज़रूरी होता है। एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फिर आराम से बात करते हैं। घर का सीन कुछ इस तरह से चल रहा है, सब सो रहे हैं, इसलिए मैं बाहर आ गया ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग के लिए मैं बाहर ही खा रहा हूँ। तब से भाई जो है, दो भाई वो लोग गेम खेल रहे हैं, गेम में ही है वो लोग। मैं भी खेल सकता हूँ लेकिन अभी मन नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। तो शिवरात्रि में बेसिकली हम लोग तो इधर पे साबूदाना खाते हैं। आप क्या खाते हो कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब हर जगह वही चलता है, बट क्या पता हो सकता है दूसरा का कुछ भी अलग चीज़ हो, क्योंकि मैं तो ज़्यादा जानता नहीं। और यहाँ भाई फैक्ट्री से जो पोल्यूशन उठता है वो सीधा इन सब पे इफेक्ट करता है। इनके पत्तों को देख सकते हो, पत्तों में थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप कुछ हो चुका है। तो ये बेसिकली फैक्ट्री की वजह से होता है। फैक्ट्री से जितना डस्ट उड़ते रहता है वो इन पर बैठ जाता है, एंड गाड़ी वाड़ी बाहर रहता है तो उनका भी सेम हाल हो जाता है। क्या बोले, एयर पोल्यूशन इसी से पता चलता है। ऐसे नॉर्मली नेकेड आई से तो दिखता नहीं, बट ऐसे दिखता है। आपको मंदिर दिखाते हैं, उस तरफ में आपको दिख रहा होगा, देखना। उसी मंदिर में यहाँ पर पूजा होता है। इस बार तो लेट हुआ है, हर बार सुबह हो जाता है मतलब 11 बजे के आसपास, बट आज तो भाई दोपहर हो चुका है। हमने पहले ही सुबह कर लिया था तो हमें चाप नहीं है। मेरा चेहरा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, बट अभी दोपहर है तो धूप इस तरफ से आ रहा है। मैं ऐसे घूमूंगा तो कुछ दिखेगा नहीं, तो इसलिए मेरे को ऐसे बैठना पड़ रहा। थोड़ा लेट हो रहा है व्लॉग्स डालने में, बिकॉज थोड़ा एग्ज़ाम का काम चल रहा है कॉलेज में। तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते अपन। कोई चाप नहीं है, अपन सब मैनेज कर लेंगे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, आज है शिवरात्रि, तो आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और आप लोग के उधर जरूर घर में या कहीं पे बहुत लोग पूजा करते तो हो ही रहा होगा। इन इधर पे भी बहुत जगहों पे होता है, हमारे सामने ही हो रहा है। तो ये सीन है। एंड अभी तो शिवरात्रि में जो भी कुछ सेलिब्रेट होता है वो तो यहीं पे होता है, आगे और भी जगह, बट मेनली अपन यहीं पे कर लेते हैं। और हम लोग का भी पूजा हो चुका है। एंड पिछले बार मैंने जो व्लॉग शुरू किया था वो था संडे, एंड आज है ट्यूसडे। आज ट्यूसडे। तो पूरा वीकली व्लॉग्स आएंगे, है ना। फिर आगे आगे इसको और इंक्रीमेंट इम्प्रूव करते जाएंगे। अरे कौन कौआ है, साफ करके आए, पूरा हालत ख़राब है भाई। गैरेज साफ करके आए हैं, पसीना वसीना हुआ था, सारी चीज़ें पोछ ली है ना। टीका भी मिट चुका है हल्का फुल्का, एंड थोड़ा मुंह धोने के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि बालों के अंदर में थोड़ा बहुत पसीना पसीना टाइप हो रहा है। तो हिसाब से व्लॉग को भी एंड करते है ना, क्योंकि गैरेज में और भी थोड़ा बहुत काम है तो उसे कंप्लीट करना है। व्लॉग को एंड करते हैं, एंड नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। तो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिलहाल तो व्यूज़ निकल जाए उतना ही बहुत है, बट सब्सक्राइब, आप लोग का सपोर्ट ज़रूरी है, तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।